हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। सो बायो मॉलिक्यूल अपन देख रहे थे और उसमें भी न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। बेसिक जो पॉइंट थे वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, उनकी जो एकलक इकाइयां होती है जैसे शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक या जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया। क्लियर। सो आज के वीडियो लेसन में अपन देखेंगे डीएनए या डीऑक्सीराइबोज जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो। ठीक है, उससे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में एक दो पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, उसके बाद में डीएनए की स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, 11th और 12th के एनसीईआरटी में जो भी सब कुछ आपको दे रखा वो आज की वीडियो लेसन में अपन कवर कर लेंगे। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक और नोटबुक लेके बैठिएगा जिससे आप इसे नोट कर सके। सो न्यूक्लिक एसिड जो थे जो है लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे ज्यादा मिलने वाला मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का 10-15% होता है, तो न्यूक्लिक एसिड का कितना होता है? न्यूक्लिक एसिड का होता है 5-7%। तो प्रोटीन के बाद में सबसे ज्यादा न्यूक्लिक एसिड ही मिलता है, और इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, न्यूक्लिक में 7 लेटर है, एसिड में 5 है, एसिड्स में तो 5-7%। और जो भी प्यूरीन और पाइरिमिडिन के न्यूक्लियोटाइड है उसके पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले स्विस बायोकेमिस्ट, जैव रासायनिक एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर ने आइसोलेट किया था जो पस कोशिकाएं होती है उसके न्यूक्लियस से, पस कोशिका के केंद्रक से। ठीक है, सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था, और इसे जो भी पदार्थ इन्होंने अलग किया था उसके लिए इन्होंने टर्म यूज में लिया न्यूक्लीन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मिला था। अभी न्यूक्लिक एसिड इन्होंने टर्म यूज में नहीं लिया, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो नहीं लिया, इन्होंने न्यूक्लीन टर्म यूज में लिया। उसके बाद में इस न्यूक्लीन का नामकरण वापस से किया गया और इसे बोला गया न्यूक्लिक अम्ल। इसे क्या बोला गया? न्यूक्लिक अम्ल। क्यों अम्ल क्यों बोला गया? क्योंकि ये अम्लीय नेचर का होता है, इसकी अम्लीय प्रॉपर्टी होती है इसीलिए। ठीक है, और अम्लीय जो प्रॉपर्टी है वो एक साइंटिस्ट थे अल्टमैन, उन्होंने बताया था। और जो न्यूक्लिक एसिड थे उनके दो जो प्रकार है वो भी उन्होंने बताया था, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं डीएनए, जो दो प्रकार है उसमें से जो अपना प्रथम प्रकार है डीएनए वो अपन स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझ में आएगा अच्छे से अगर लास्ट वीडियो लेसन आपने देख रखा है, तो नहीं देख रखा तो उसे देखिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। डीएनए जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो शुगर है वो डीऑक्सी शुगर है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो नाम है वो एक साइंटिस्ट थे जैकेरिस ने दिया था, नामकरण किसने किया था? जैकेरिस ने किया था, और सबसे पहले मिश्र ने ही देखा था। अब कहां मिलता है, इसकी प्रेजेंस की अपन बात करें, कहां ये मिल सकता है? तो नॉर्मल जो कोशिका होती है, अभी अपन ने बात की थी कि कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, पस कोशिका के अंदर में फ्रेडरिक मिस्चर साहब ने देखा था, ये नॉर्मल कोशिका और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके साथ साथ में, इस न्यूक्लियस के साथ साथ में ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है इस कोशिका के अंदर, ये अपना क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, ये अपना ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी यहाँ पर ये अपना पास लाइसोसोम वगैरह, बाकी सब ऑर्गेनल है। ठीक है, तो जो अपना डीएनए है वो न्यूक्लियस में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अकेरेंस के बेसिस पे कहाँ मिल सकता है, उसके आधार पर डीएनए को दो प्रकार में अपन डिवाइड करते हैं, एक तो अंतरा केंद्रकीय या केंद्रकीय डीएनए, केंद्रकीय डीएनए, और दूसरा होता है बाह्य केंद्रकीय डीएनए, यस, कोशिका द्रव्यक बाह्य केंद्रकीय डीएनए, या इसे अपन बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य, क्योंकि केंद्रक के बाहर मिलेगा तो वो कहाँ होगा?
कोशिका द्रव्य के अंदर होगा, कोशिका द्रव्य डीएनए। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर मिलने वाला जो डीएनए है इसके अंदर, उसे अपन केंद्रक के डीएनए बोलते हैं। और ये जो डीएनए होता है लीनियर होता है, रेखीय होता है, इसके अंदर जो भी डीएनए मिलेगा रेखीय प्रकार का डीएनए हो। और इस रेखीय डीएनए के साथ साथ में कुछ प्रोटीन भी मिलते हैं जिसे अपन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला 12th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है हिस्टोन प्रोटीन वाला पॉइंट, तो हिस्टोन प्रोटीन भी इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, और प्रोटीन वगैरह की अपन बात करते हैं तो ये एक टाइप का कंपाउंड प्रोटीन है जिसे अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, और डीऑक्सीराइबोज है तो इसीलिए अपन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन इसे अपन बोल सकते हैं क्योंकि प्रोटीन भी इसके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन बाह्य केंद्रकीय जो डीएनए मिलता है वो कहां मिलता है? वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक जिसे अपन बोलते हैं उसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां जो डीएनए मिल रहा है वो सामान्यतः सर्कुलर होता है, और इसके अंदर जो मिल रहा था वो किस प्रकार का था? रेखीय था, सर्कुलर होता है, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होते हैं। सो हिस्टोन भी यहां पर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और ये बाहर होते हैं, इसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होती, इसलिए अपन नग्न डीएनए भी इसे अपन बोलते हैं। और कुछ ऐसे वायरस है जिसके अंदर भी डीएनए मिलता है तो वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। बस ये तो अपन ने बात की किसकी? यूकेरियोट्स की। और प्रोकेरियोट्स की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर तो केंद्रक होता ही नहीं है, मतलब केंद्रक झिल्ली वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो प्रोकेरियोट्स के अंदर जो डीएनए होगा वो कहाँ होगा? सीधा सीधा वो साइटोप्लाज्म में भी, साइटोप्लाज्म में ही होगा। और अपने को ये भी बताया कि प्रोकैरियोट्स में जो झिल्ली आबद्ध अंग होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट वो भी एब्सेंट होते हैं, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में मिलने वाला डीएनए भी नहीं होता है। क्लियर है? ये ध्यान में रखना भाई लोगों, इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का मैं कवर करवा रहा हूँ, चाहे सेल वाला चैप्टर हो, चाहे जेनेटिक्स वाला हो, या बायोमोलिक्यूल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीएनए की संरचना के बारे में। संरचना, ये जो संरचना है डीएनए की, ये तो अपने को पता है कि जो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है उसका क्या है? बहुलक होता है डीएनए, नहीं एक न्यूक्लियोटाइड की जगह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं बंद से जुड़े होते हैं तो वो डीएनए बना देता है। और न्यूक्लियोटाइड है इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड के जोड़े इसके अंदर होंगे, या नाइट्रोजनस जो बेस है उसके जोड़े यहां पर होंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल अपने को दे रखे हैं एनसीईआरटी में, 12th के एनसीईआरटी में, कि जो ई कोलाई वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया जो है इश्चिरिया कोलाई, उसके अंदर 3.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड के युग्म होते हैं। और ह्यूमंस की अपन बात करते हैं तो ह्यूमंस में मिलता है डिप्लोइड द्विगुणित की अगर अपन बात करें तो ह्यूमंस में मिलता है 6.6 मिलियन न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स यहाँ पर मिलते हैं, बेस पेयर्स। ठीक है, बेस पेयर मिलते हैं 6.6। आगे बात सुन, ये अपने को ध्यान में रखना सिंपल सा। नेक्स्ट, जो डीएनए है उसके अंदर जो एकलक इकाई है, जैसे डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की जो अपन ने बात की थी, तो उसके अंदर क्या क्या होगा? एक तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, प्लस नाइट्रोजनस बेस होंगे, प्लस फॉस्फेट होगा। और नाइट्रोजनस जो बेस है उसके अंदर भी चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होंगे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक, क्लियर है? ये अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो डीएनए है उसकी जो संरचना है, जो डीएनए के अध्ययन जो किया था
वो दो साइंटिस्ट ने किया था, विल्किंस और जो फ्रैंकलिन है उसमें। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने किया था, और जो टेक्निक थी वो थी एक्सरे, क्रिस्टेलोग्राफी। ठीक है, तो विल्किंस और जो फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, 12th की एनसीईआरटी जो है उसके अंदर ये भी लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी का मतलब आपको पता है या नहीं है? नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरे जो क्रिस्टलोग्राफी है वो एक एक टाइप से एक्सपेरिमेंटल साइंस है, जिसमें जो भी एटम होता है, जिसमें जो भी मॉलिक्यूल होता है, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं क्रिस्टल की। और किसकी हेल्प से देखते हैं? एक्सरे की हेल्प से देखते हैं। जैसे ये डीएनए का मॉलिक्यूल था यहाँ पर, तो एक्सरे की हेल्प से अपन ने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, अपन ने मतलब विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, जो डीएनए की स्ट्रक्चर थी वो पता लगती है। तो ये ध्यान में रखना, आप एनसीईआरटी में लिखा है। और उसके बाद में इसी जो स्टडी की गई थी, इसी के आधार पर जो वॉटसन और क्रिक है 1953 में, वॉटसन एंड जो क्रिक ने बताया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बताया था। ठीक है, और इस मॉडल के लिए वॉटसन, क्रिक और विल्किंस है, इन तीनों को 1962 में नोबल भी दिया गया था, 1962 में। ठीक है, 1962 में इन्हें नोबल भी दिया गया था। क्लियर है? तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, कुछ साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं जो मॉडल है। ठीक है, जो मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो मेन पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट है डीएनए के स्ट्रक्चर का, वो है इसमें जो प्यूरीन और पाइरिमिडिन होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक क्षारक युग्मन होते हैं। पूरक क्षारक युग्मन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अपोजिट, ए के साथ में टी जुड़ता है और सी के साथ में क्या जुड़ता है, जी जुड़ता है। ऐसा नहीं कि ए के साथ जी जुड़ जाएगा, सी के साथ टी जुड़ जाएगा। और ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डीएनए होता है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। जैसे सपोज ये अपने पास डीएनए की स्ट्रक्चर थी, ऐसा ही अपन डीएनए बनाते हैं, तो होगा क्या अपने पास, होगा इसके अंदर ये कि जैसे एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, मैं आपको बताऊं कि दो से तो बनी होती है, एक की अगर अपन बात करें तो इस टाइप से होता है ये। सबसे पहले ये शुगर मेरे पास होगी, डीऑक्सीराइबो शर्करा होगी, और जैसे सपोज कर लो यहां जो है इस फर्स्ट कार्बन पर ये अपना है एडेनिन, जो नाइट्रोजन क्षारक है। ठीक है, और यहाँ अपना हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन है अपना एच, यहां पर भी होता है, यहाँ पर ये है इस टाइप से कुछ, और जो स्ट्रक्चर में अपने पास है वो भी कुछ इस टाइप से, CH2OH। क्लियर, तो ये अपने पास क्या होगा, एक टाइप से जो शुगर है उसके साथ में एडेनिन जुड़ा हुआ है, शुगर के साथ में जो डीऑक्सीराइबो शुगर है उसके साथ में क्या है, एडेनिन अपने पास जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान में अपने को रखना है। अब जो डीएनए यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, डीऑक्सीराइबो शुगर जो अपने पास है, यहाँ पर भी आएगा ये, गलती से भूल गया मैं। अब इसके साथ में एडेनिन अपन ने जोड़ दिया था, मतलब सॉरी, यहाँ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो ऊपर होता है यहाँ पर, जैसे जो एडेनिन है ना इसकी अपन बात कर ले रहे हैं, ये अपने पास कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, एच होता है और OH होता है। तो जो एडेनिन होता है वो इसी OH के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे हटा करके सीधा लिख दिया है, क्या इसकी जगह पर लिख दिया एडेनिन, बॉन्ड बनता है सीधा। और ये जो बॉन्ड बनता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नाइट्रोजन क्षारक होता है वो शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट नंबर कार्बन से जुड़ता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और नाइट्रोजन एटम का जो होता है प्यूरीन
प्यूरीन में तो जनरली जो होता है, प्यूरीन है तो उसमें 9th नंबर कार्बन होगा और पिरिमिडीन है तो उसमें तीसरा नंबर कार्बन होगा। तो वो स्ट्रक्चर में डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, इजीली आपको समझ में आ जाता है, अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं तो भी बन जाती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, एडेनिन जुड़ चुका है। और अब जो अपने पास है नेक्स्ट, तीसरा नंबर जो कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और फॉस्फेट में अपने पास H3PO4 होता है, तो पी ये हो गया अपने पास, डबल बॉन्ड ओ हो गया ये। यहाँ एक हाइड्रोक्सिल होता है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोक्सिल होता है, ठीक है। तो H3PO4 यहां से भी अगर इसे मैं यहां से एलिमिनेट करूं तो H2O यहां से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। अभी बस सुन, H2O यहां से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। एक और यहां आ जाएगा, तो H2 जब बाहर निकलता है उसके बाद की स्ट्रक्चर में बताता हूँ सीधी आपको किस टाइप से ये फॉस्फेट बन जाएगा। ये इस टाइप से हो जाएगा, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O O। अब नीचे से हम वैसे ही कोई स्ट्रक्चर और होगी अपने पास शुगर की, यहाँ अपने पास क्या होगा, CH2OH होगा। तो ये यहाँ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था यहाँ से भी क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा ये। तो इसकी भी स्ट्रक्चर मैं सीधे आपको यहाँ पर बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट हो गए, जैसे इसमें ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ गया CH2 क्योंकि CH2 वाले के साथ ही जुड़ा है ये, और बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी। और ये CH2 यहाँ है अपने पास, फिफ्थ नंबर जो है वो CH2 का इस टाइप से। अब पुराना वीडियो देखा आपने तो समझ में आता है, इजीली नहीं देखा तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है। तो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो इस टाइप से बनती रहेगी और दूसरी भी इस टाइप से यहाँ पर बनती रहेगी, लेकिन ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है वो क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्लियर है, वो एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट यहाँ पर होती है। तो यही है अपने पास कि जो सबसे फर्स्ट इस मॉडल जो है डीएनए का डबल हेलिकल जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ जो डीएनए होता है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, डीएनए दो पॉली न्यूक्लियो टाइड श्रृंखला का बना होता है, ठीक है। तो एक ये हो गई अपने पास, दूसरी ये वाली हो गई। ये जो श्रृंखला होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है, जिसे अपन बोलते हैं प्रति समांतर, प्रति समांतर होगी, अपोजिट होगी, एंटी पैरेलल जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम होगी, डायरेक्शन देखेंगे यहां पर तो एक मैंने ऊपर बनाया दूसरा नीचे बनाया। तीर फॉस्फोडाइस्टर जो बंध होते हैं इसके अंदर, फॉस्फोडाइस्टर मतलब ये वाला जो बंध यहाँ पर बनेगा वो जो है दोनों जो चेन है उसमें विपरीत होता है। मतलब यहाँ पर जैसे अपन बात करें कि CH2OH की अपन बात कर लेते हैं, तो ये अपना फिफ्थ नंबर कार्बन पर ये CH2OH फ्री हो गया एक टाइम के लिए, मतलब इसके साथ में और कोई भी ऊपर शुगर नहीं जुड़ा है। और इधर अगर बात करेंगे नीचे, तो अगर मैं बात करूँ इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर होती है इस वाली चेन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कि पांचवा नंबर जो कार्बन है उस पर क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो ये अपने पास 5 और ये अपने पास 3, ठीक है। से इस वाले कार्बन पर कोई ना कोई ये बेस जुड़ गया है यहाँ पर, इस वाले पर कुछ नहीं है, इस वाले पर जो तीसरे पे ये जुड़ रहा था यहाँ पर, ये फॉस्फेट वाला ग्रुप बना रहा था, इस पर भी कोई नहीं है अपने पास, ठीक है। मतलब नीचे कोई शुगर यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ फिफ्थ पर फ्री है, यहाँ पर 3 पे फ्री है। तो ये वाला जो अपना 5 डैश हो गया और ये वाला 3 डैश एंड हो गया, सेम ऐसा इसके अंदर होता है, यहाँ पर 5 डैश हो जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 डैश हो जाएगा, प्रति समांतर ये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड थर्ड पॉइंट जो है इसका वो देखते हैं अपन। जो भी यहाँ पर ये डीएनए की चेन यहाँ पर बन रही है, पॉली न्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। जैसे एडेनिन है तो इसके साथ में इसके अपोजिट जो आएगा वो कौन सा होगा, थाइमिन आएगा। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर जैसे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर साइटोसिन आ गया और इधर अपने पास आएगा ग्वानिन, ये फिक्स है। तो साइटोनिन और ग्वानिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बंध जो है बनते हैं नाइटोनक शार्क के बीच में, और ये फिक्स है, एस जी के साथ नहीं जुड़ सकता,
ए सी के साथ नहीं जुड़ सकता, ए टी के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। तो एक डीएनए अणु में जो एक प्यूरिन होता है वो हमेशा एक पाइरिमिडिन के साथ जुड़ता है। इससे अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, प्यूरिन किससे जुड़ता है, पाइरिमिडिन के साथ में जुड़ता है, पाइरिमिडिन जिसे अपन बोलते हैं, पाइरिमिडिन के साथ जुड़ता है, लिख लीजिएगा। और इसी वजह से क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में वो फिक्स होती है। डीएनए में जो द्विकुंडली संरचना है तो उसमें क्या होता है, एक क्षार के ऊपर दूसरा होता है। अब जो स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, जो अपन ने पढ़ी थी वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से अपन पढ़ते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये अपना एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, ये दूसरी हो गई। तो एक और जो दूसरी यहां पर हुई है उसमें एक में अपने पास 5 डैश होगा, दूसरे में अपने पास क्या हुआ, 3 डैश यहां पर होगा, नहीं तो ये 5 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया। तो ये 5 वाला यहां पर आ रहा है, तो ये 3 डैश हो जाएगा और ये 5 डैश हो जाएगा। अब इसके अंदर जो नाइट्रोजनस ए के साथ में डबल बॉन्ड से टी से जुड़ता है, सी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जी जुड़ता है, और ये मैं बता देता हूँ हाइड्रोजन बंध, ठीक है, ये हाइड्रोजन बंध है लाइन से जो बता रहा हूँ। तो एक क्षार के ऊपर दूसरा क्षार होता है, जैसे इसके ऊपर ये या इसके नीचे ये, ठीक है। और यही एक कारण है कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर की जो स्टेबल होती है, स्थायी संरचना होती है, उसके पीछे का रीजन एक ही है कि एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में, और दूसरा एक के ऊपर दूसरा जो नाइट्रोजनस बेस सॉरी दूसरा जो बंध है वो यहाँ पर बनता है, इसीलिए डीएनए की स्ट्रक्चर जो क्या होती है, स्टेबल यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट थे एनसीईआरटी में लिखे हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, 12th की एनसीईआरटी में देख सकते हैं आप लोग वहां पर। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसमें कुछ रूल है, कुछ रेशियो की अगर अपन बात करते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, प्लस कुछ डेटा भी यहाँ पर रह चुका है अपना, जैसे ये डीएनए की जो संरचना है इस टाइप से कुछ, उसकी अपन बात करते। तो ये जो डीएनए की संरचना है इसके अंदर जो कोइलिंग होती है, एक यहाँ पर कुंडलन जो बताया जाता है उसके अंदर 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं और उसकी टोटल लेंथ होती है 34 अंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर इस टाइप से, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10वां, तो 10 बेस पेयर। अगर 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, जो इसकी बात करते हैं अपन, नैनोमीटर में भी इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे 3.4 नैनोमीटर अपन लिख सकते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर का मतलब इसकी जो चौड़ाई यहां से होती है वो 2 नैनोमीटर होती है, कितनी, 2 नैनोमीटर। ये वाला जो है, जैसे ये यहां से यहां तक जो अलग कलर से बता देता हूँ, ये जो यहां से यहां तक वाला जो अपने को बताया जाता है ये कितनी होती है, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्लियर है, ये अपने को भी ध्यान में यहां से रखना। एक और पॉइंट यहां पर है कि जो डबल हेलिक्स है, ठीक है, उसमें एक तो मेजर होता है, ये जो वाला है मेजर पार्ट है और ये छोटा वाला पार्ट है माइनर, जो अपने को नहीं दिखता, वैसे इतना डिटेल में अपने नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, इतना सा आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके कुछ रूल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से पढ़िएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर पुराना लेसन आपने नहीं देखा है तो इसे देखिए, तभी ये अच्छे से आपको समझ में आएगा, केवल लिखने से काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं चार ग्राफ का तुल्यांकी नियम। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं चार ग्राफ इक्विवेलेंसी रूल। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें जो प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है या जो मात्रा होती है वो बराबर होती है पाइरिमिडीन के, या पिरिमिडीन जिसे अपन बोलते हैं, इस टाइप से था।
हमने बोला ए के अपोजिट टी आता है, सी के अपोजिट क्या आता है, जी आता है, ठीक है। तो टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल पायरेमिडिन हो गया, तो ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस जी बटा सी प्लस टी इज इक्वल टू वन, और इसे ही अपन बोलते हैं चारगांव का तुल्यांक के नियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्षार अनुपात, कितना सा ये है ये नियम, बेस रेशियो। इसके अंदर क्या होता है, एडेनिन सॉरी प्यूरिन और पायरिमिडिन जो है उनका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी दी गई जाति के लिए, स्पीशीज के लिए, ठीक है। इसके भी अलग अलग दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है एटी टाइप फर्स्ट, जिसमें क्या होता है कि जो एटी क्षार युग्म है वो सीजी से ज्यादा होते हैं, एटी किससे ज्यादा है, सीजी से ज्यादा होता है, उसे अपन बोलते हैं एटी प्रकार। मतलब अनुपात क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा तो नीचे वाला छोटा है, तो एक से ज्यादा अनुपात यहाँ पर होगा। और ये मिलता है यूकेरियोट में, यूकेरियोट का डीएनए इसी टाइप का है। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट सीजी टाइप, अब सीजी टाइप अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, एटी जो है वो कम होता है सीजी से, तो अनुपात क्या होगा, एक से कम होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, कम है एक सीजी से, नीचे वाला ज्यादा, ऊपर वाला कम है, तो अनुपात एक से कम होगा। और ऐसा देखने को मिलता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर ऐसा मिलता है, ठीक है। चलो ये भी कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर लिए, जिससे जेनेटिक्स अपनी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, डीएनए का जो गलनांक होता है वो डिपेंड करता है इसके जो नाइट्रोजन क्षारक के बीच बंध है उसके ऊपर, ठीक। गलनांक जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है सी ट्रिपल बॉन्ड जी पर, क्यों, क्योंकि तीन हाइड्रोजन बंध है इसके ऊपर, अगर जितने ज्यादा सी ट्रिपल बॉन्ड जी होंगे उसका गलनांक भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, और सी जी कम है तो उसका गलनांक भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो सी जी टाइप का जो डीएनए था उसका गलनांक ज्यादा होगा, या प्रोकैरियोट के अंदर जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, यूकैरियोट से, नहीं क्योंकि उसके अंदर सी जी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना भाई लोगों। नेक्स्ट जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में आगे और इसके बारे में कुछ बेसिक जो पॉइंट्स है, इसके टाइप्स है, वो अपन देखेंगे। एक टर्म अपन यूज में रहते हैं डीएनए विकृतिकरण, विकृतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, तो डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है कि जब डीएनए होता है उस डीएनए को उच्च ताप पर अपन रखते हैं तो उसके जो दोनों स्टैंड है वो अलग अलग हो जाती है, तापमान ज्यादा होता है यहाँ पर तो जो दोनों श्रृंखला है वो अलग अलग यहाँ पर हो जाए, इसे अपन बोलते हैं डीएनए डीनेचुरेशन। और इसके जस्ट अपोजिट होता है डीएनए रीनेचुरेशन, टेम्परेचर अपन ने वापस कम किया तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगी और ये संरचना अपने को मिल जाएगी, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना, डीएनए डीनेचुरेशन और डीएनए रीनेचुरेशन। तीसरा हाइपरक्रोमोसिटी, हाइपरक्रोमोसिटी का मतलब ये होता है कि जब विकृतिकृत जो डीएनए था, मतलब इस प्रकार का जो डीएनए था, इसे अगर धीरे धीरे अपन ठंडा करते हैं, टेम्परेचर इसका क्या करते हैं, कम करते हैं, तो ये वापस से हो जाता है द्विकुंडलित, ठीक है। और वापस से, अच्छा एक और पॉइंट, पहले हाइपर अपन पढ़ रहे हैं तो हाइपर के बारे में, उसके बाद में हाइपोक्रोमोसिटी। हाइपरक्रोमोसिटी का मतलब होता है कि जब एक डीएनए को अपन गर्म करते हैं तो ये विकृतिकृत हो जाता है, ये वाला इस टाइप से, नहीं
ये ऊपर वाले में ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये था डीएनए, जब टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो ये हो गया विकृतिग्रत, अलग अलग हो गया। तो अब ये जो अलग अलग डीएनए है, अगर इसे लाइट दी जाए तो इसकी प्रकाश अवशोषण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ये अलग अलग है। लेकिन हाइपो में क्या होता है, जब इसे वापस से मैं ठंडा करूंगा, टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा, इसकी जो लाइट एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी कम, उसे अपन बोलते हैं हाइपोक्रोमोसिस। ठीक है, डीएनए जो होता है 2600 से 2600 जो एंगस्ट्रॉम है उस लाइट को एब्जॉर्ब ये कर सकता है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान में यहां से रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन। डीएनए अणु का जो विन्यास होता है वो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अपन ने देखा था कि क्या होता है, वापस से मैं रिवाइज ये आपको करवा रहा हूँ कि एक दूसरे के साथ में हेलिकली होता है, मतलब सीढ़ी नुमा कुंडलित होता है ये। सीढ़ी नुमा क्यों, सीढ़ी नुमा कुंडलित, कुंडलित तो होगा ही लेकिन सीढ़ी नुमा क्यों होगा ये, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रस बेस के बीच में जो बंध होते हैं वो एक से दूसरी सीढ़ी होती है, सेम वैसे ही होते हैं। और डीएनए की जो रीड होती है जिसे अपन बोलते हैं रेलिंग ऑफ लेडर, रीड जो होती है मेन जो बैकबोन जिसे अपन बोलते हैं, वो बनी होती है शुगर फॉस्फेट से, शर्करा और फॉस्फेट से। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है। और जो स्टेप्स होते हैं वो नाइट्रोजन क्षारक है, ये वाले जो स्टेप है जो जिसे अपन ऊपर चढ़ने के लिए यूज में लेते हैं। डिस्टेंस अब मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 10 जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं एक कोइलिंग के अंदर, ध्रुवणता 5 से 3 होती है और 3 से 5 होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो शुगर वाला पॉइंट है, जैसे मान लो इसके अंदर ये वाला शुगर था और ये वाला क्या था, शुगर था, तो केवल शुगर के बीच में अगर डिस्टेंस पूछी जाए, शर्कराओं के बीच में डिस्टेंस पूछी जाए, तो वो होती है 11.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाइड्रोजन बंध की लेंथ पूछी जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई अगर पूछी जाए तो वो होती है 2.8 से 3.0 एंगस्ट्रॉम। तो ये ऊपर जो अपन डिस्कस की थी वो फॉस्फेट के बीच की थी। ठीक है, और जो कोण होता है पेंटोज का, जो कार्बन है C1 और जो नाइट्रोजन क्षारक है उसके बीच में जो कोण होता है वो 51 डिग्री का होता है, बस ये ध्यान रखना। घुमाव जो होता है, क्योंकि मैंने बोला है कि एक घुमाव की अगर आप बात करो तो उसमें अपने पास 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक घुमाव में 360 डिग्री होता है, तो दो जो नाइट्रोजन क्षारक है उसके बीच में जो कोण होगा वो कितने का होगा, 36 डिग्री का होगा। डीएनए का जो आणविक भार होता है, अणु भार जो होता है वो होता है 10^6 से 10^9 डेल्टन। ठीक है, यूकेरियोट्स में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन से जुड़ा होता है, और हिस्टोन और डीएनए एक मैग्नीशियम प्लस आयन से जुड़े होते हैं, तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो डीएनए है, क्योंकि ये तो अपन अपन ने बात की कि डबल स्टैंडर्ड, दो जो है श्रृंखला इसके अंदर होगी तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिसके अंदर जो डीएनए होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ, SSDNA, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस किस जीव में मिल सकता है। ठीक है, G4, S13, M13, F1, FD जो बैक्टीरियोफेज है, मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसमें मिलता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और वो होता है सर्कुलर, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है। ठीक है, एक होता है 5 × 174 बैक्टीरियोफेज, उसके अंदर भी मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड
डीएनए। क्लियर है? इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि मार्क्स जो अपने को मिलते हैं 100 में से 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मेरा एक जो फ्रेंड था जिसका नाम था घनश्याम, उसके 33 मार्क्स भी नहीं आए, वो फेल हो गया। पहले भी फेल हो रखा था और वो वापस से फेल हो गया। तो घनश्याम जो ट्रिक है, यहाँ से जी फोर घन एस फोर शाह एम फोर में, तो ये हो गया घनश्याम। ये एफ का मतलब फिर से, एफ डी का मतलब फेल, ठीक है, फिर से फेल, घनश्याम फिर से फेल। तो इनकी टोटल आप लोग करो, 4 और 13 अपने पास कितना होता है, 17 और 13 अपने पास होता है 30 और 1, 31 मार्क्स ही उसके आते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाता है, फिर से फेल हो जाता है। अब जो डीएनए है उसके टाइप्स की अपन बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए, उनमें जो घुमाव होता है क्या वो सीधे डायरेक्शन में घूम रहा है या उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, उसके आधार पर जो डीएनए है उसमें 2 प्रकार होते हैं। प्रथम होता है राइट हैंडेड, हैंडेड डीएनए, ठीक है। तो घुमाव जो होता है वो दक्षिणावर्त होता है, इसके अंदर दक्षिणावर्त, राइट साइड में घुमाव होता है। और जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था वो भी जो था डीएनए वो राइट हैंडेड ही था। तो इसके जो प्रकार हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, डीएनए के जो प्रकार हैं इसके भी कुछ सब टाइप्स हैं, ए बी सी और डी। हेलिक्स की जो लंबाई होती है हेलिक्स लंबाई इसमें होती है 28 एंगस्ट्रॉम, इसमें होती है 34 एंगस्ट्रॉम, इसमें होती है 31 एंगस्ट्रॉम और सबसे लास्ट में इसमें होती है 24.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो बेस पेयर होते हैं चार युग्म होते हैं वो भी अपन देख लेते हैं, उससे अपने 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस बताइए। इसमें होते हैं 11 जोड़े, इसमें 10, इसमें 9.33 और इसमें होते हैं 8 जोड़े, ठीक है। और सबसे लास्ट में व्यास जो इसका डायमीटर होता है वो 23 एंगस्ट्रॉम इसका होता है, 20 एंगस्ट्रॉम इसका होता है, 19 एंगस्ट्रॉम और 19 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। तो ये ध्यान में रखना, बस केवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बेस पेयर पूछ सकता है कभी भी कौन से डीएनए के प्रकार में कितने बेस पेयर होते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है लेफ्ट हैंडेड, इसको बोलते हैं वामावर्त। तो जो डीएनए की हेलिक्स है वो वामावर्त होगी और इसका एक एग्जांपल है जेड डीएनए। जेड डीएनए को रिच नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था और इसमें जो फॉस्फेट शुगर जो होती है रीढ़ की हड्डी होती है वो जिगजे होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, ठीक है। और जेड डीएनए की जो इकाई होती है वो होती है डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि जो ग्रीन और पिरिमिडिन होता है वो एकांतर होता है क्रम में। इसमें जो हेलिक्स की लंबाई होती है वो होती है 45.6 एंगस्ट्रॉम, व्यास जो होता है 18.5 एंगस्ट्रॉम। क्षार युग्मक जो होते हैं, क्षार जो होते हैं वो होते हैं 6 युग्म में, मतलब 12, ठीक है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में डीएनए की प्रॉपर्टी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगी। एक टर्म यूज में रहता है सी वैल्यू। सी वैल्यू का मतलब होता है सजीव में ए गुणित जो पार्ट है, ए गुणित जो जीनोम है उसमें जो डीएनए है, ए गुणित जीनोम में डीएनए की जो है उसे अपन बोलते हैं सी वैल्यू। क्लियर है? उसे अपन बोलते हैं सी वैल्यू।
अब अपन बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ डीएनए, जो डीएनए के कार्य हैं उसकी। डीएनए के कार्य, अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं भाई। सबसे फर्स्ट डीएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ काम करता है। आनुवंशिक पदार्थ ठीक है, जो अपने पैतृक के उससे प्रोजेनी में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो। दूसरा जो है कि डीएनए जो होता है प्रतिकृतिकरण में इन्वॉल्व, मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है ठीक है, प्रतिकृतिकरण करता है। प्रतिकृतिकरण करता है तो मतलब क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, तो पैतृक से पुत्री कोशिकाओं में इंफॉर्मेशन यहीं से जाती है। डीएनए से आरएनए भी बनता है, जिसे अपन बोलते हैं अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, ये भी इसका एक फंक्शन ठीक है। और डीएनए जो होते हैं कोशिका जो उपापचय है उसे रेगुलेट करता है, कोशिका उपापचय में इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। डीएनए से जो आरएनए बना है वो अनुलेखन है, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, उसे अपन बोलते हैं अनु। ठीक है, तो प्रोटीन हुआ, एंजाइम हुआ, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम होते हैं, हॉर्मोन हुआ, ये सब जो बनाता है वो डीएनए से ही बनता है। नेक्स्ट जो फंक्शन होंगे, किसी भी टाइप से अगर किसी जीव में उत्परिवर्तन होता है तो उत्परिवर्तन जो होगा वो किसके अंदर होगा, वो डीएनए के अंदर होगा, तभी आनुवंशिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उत्परिवर्तन होता है, अच्छा उत्परिवर्तन, तो उसका एवोल्यूशन हो रहा नहीं है, फिर भी उसका उद्विकास तो होगा ही होगा, तो जो भी उत्परिवर्तन होता है वो कहाँ होता है, डीएनए के अंदर होता है ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए में जो विभिन्नताएं हैं वो आती है, विभिन्नताओं का सोर्स है क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है इसके बीच में, जो भी डीएनए क्रोमोसोम है उसके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जो जीन है उसका आदान प्रदान होता है ठीक है। तो ये कुछ जो फंक्शन है डीएनए के वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपना डीएनए वाला टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद मैं करता हूँ समझ में आपको आया है, अच्छे से आपने नोट किया है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। देखने और सुनने के लिए शुक्रिया।